फ्रेंड्स, अगर आप मिड रेंज 10 से 12 हज़ार रुपये में ऐसा मोबाइल लेना चाहते हैं तो मोटो G5 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ये दो वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है फाइन गोल्ड, दूसरा है लूनर ग्रे। ये दो कलर में ये अवेलेबल है। तो आप मोबाइल लेने से पहले क्या फीचर्स देखना पसंद करते हैं? सबसे पहले रैम क्या है, उसके बाद इंटरनल मेमोरी कितनी है, बैटरी बैकअप कैसा है, 4G पे ये काम करता है या नहीं, और एंड्रॉयड वर्ज़न क्या है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले इसका जो कैमरा है वह 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, तो इस सेल्फी के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसका रैम है सो 3 GB रैम है और 16 GB इंटरनल मेमोरी है, लेकिन कार्ड के साथ 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। मेटल बॉडी है, पूरा का पूरा बॉडी आप देख रहे होंगे कि मेटल बॉडी है, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा है फीचर्स वो है फिंगरप्रिंट रीडर। उसके अलावा ये फुल HD है डिस्प्ले है, 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। HD डिस्प्ले कहने का मतलब 1920x1080 रिजोल्यूशन इसका है। ये है सो एंड्रॉयड वर्जन, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है नोगेट 7.0, उस पर यह वर्क करता है। इसका जो प्रोसेसर है वह ऑक्टाकोर प्रोसेसर 1.4 GHz का है, वह स्नैपड्रैगन का है। इसके अलावा इसके दोनों ही सिम 4G पे मोड पे काम करते हैं, और दोनों का दोनों सिम है सो नैनो सिम है, और इसका जो बैटरी बैकअप है वह भी आपका अच्छा है, 2800 mAh का है, तो आप इस अच्छा है तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है 10 से 12 हज़ार रेंज में। अगर आप इसे लेना चाहें तो एफिलिएटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।